सैमसंग की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F25 5G ये फोन इंडिया में 27 मई को यानी कि 2 दिन बाद लॉन्च होने वाला है और लोग इसका इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जितना कोई अपने बाबू सोना का मैसेज का भी इंतजार नहीं करता होगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा, तो आखिर इस फोन में क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है कि इस फोन का इतना मार्केट में क्रेज बना हुआ है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इस फोन को आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर डिजाइन से शुरू करें तो डिजाइन ही इस फोन का जो है मार्केटिंग को बढ़ा रही है क्योंकि इसके बैक के साइड में वीगन लेदर का डिजाइन दिया हुआ है, पूरा लेदर फिनिश के साथ आता है जो कि इसके लुक को और ज्यादा इन्हेंस कर देती है और इसी के वजह से इसको टच करने पे भाई अलग ही फील आता है। समझ रहे हो? बैक में ही आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप का स्लॉट मिल जाता है, एक फ्लैश लाइट दिया हुआ है और नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग की गई है। गोल्डन कलर का फ्रेम इसके लुक को और ज्यादा इन्हेंस कर देती है और काफी प्रीमियम फील देती है। डिजाइन वाइज इस फोन को देखा जाए तो डिजाइन वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा इस फोन में, डिजाइन इस फोन का काफी प्रीमियम और काफी अच्छा दिया हुआ है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले दी गई है विथ 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट के साथ, आपको 1000 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी दिया हुआ है फोन में जिससे कि धूप वगैरह में आपका फोन का स्क्रीन विजिबल रहेगा, वहां पर आपको फोन का स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत ना आए। अगर डिस्प्ले के बाद इसके फोन के कैमरा सेटअप की बात की जाए तो बैक के साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रखा है जिसमें कि 50 मेगापिक्सल का 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विथ OIS और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दे रखा है और सेल्फी के लिए भाई इन्होंने कुछ कमी नहीं की है, उसमें भी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रखा है, मतलब कि सेल्फी का कैमरा दे रखा है और दोनों ही कैमरा से बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा से आप मैक्सिमम 4K 30fps तक का वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और कैमरा में फीचर भर भर के दिए गए हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ कैमरा के फीचर ही बता सकता हूं क्योंकि कैमरा का क्वालिटी जो है वीडियो का क्वालिटी और फोटो का क्वालिटी उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूं क्योंकि अभी फोन लॉन्च ही नहीं हुआ है। जब फोन लॉन्च हो जाएगा इंडिया में काफी सारे लोग यूज करने लगेंगे तो मैं आपको इसका कैमरा की क्वालिटी भी बता दूंगा कि कैमरा की क्वालिटी कैसी है। वैसे सैमसंग के सारे फोन की कैमरा की क्वालिटी काफी अच्छी होती है तो उम्मीद करता हूं कि इस फोन के कैमरा की क्वालिटी भी काफी अच्छी होगी। और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इस फोन में Snapdragon 7 Gen 1 जो कि एक बढ़िया प्रोसेसर है और इसका अंततु स्कोर 7 लाख से ऊपर आता है। इसमें आप लोग BGMI, फ्री फायर ये सारे के सारे बैटल ग्राउंड्स गेम हायर सेटिंग पे प्ले कर सकते हो लंबे टाइम तक और डेली लाइफ यूजेस में तो आपको बिल्कुल ही कोई दिक्कत लेकर के यह स्मार्टफोन ये प्रोसेसर आपको कोई दिक्कत लेकर के नहीं आएगा। बाकी 5000mAh की एक बड़ी बैटरी दे रखी है फोन में और इसको चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स में चार्जर नहीं दे रखा है, पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसा किया है, आपको बॉक्स में चार्जर नहीं मिलेगा। वैसे ये फोन 45W के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है तो चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें कि इस फोन को आखिर बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि ये फोन जो है 30,000 के अंदर में लॉन्च होगा, 30,000 के आसपास लॉन्च होगा ये फोन और उसके हिसाब से मुझे इसकी कैमरा की क्वालिटी थोड़ी सी खराब लगी क्योंकि भाई 30,000 का जब फोन खरीद रहे हो तो उसमें तो थोड़ा कैमरा और बढ़िया देना चाहिए था और प्रोसेसर भी मुझे खराब लगा क्योंकि पोको X6 5G जो है वो अभी 20,000 के अंदर में मिल रहा है, उसमें तो भाई अभी स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर दे रखा है और इसमें 7 Gen 1 दे रखा है तो प्रोसेसर भी थोड़ा सा मुझे खराब लगा और ज्यादा इसको मतलब कि बढ़िया दे सकते थे, इसमें प्रोसेसर और कैमरे की क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा सकते थे ये लोग, लेकिन पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया है। ये तो फोन आएगा तो मैं इसको ऊपर टोटल फुल रिव्यू वीडियो बना दूंगा, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको वीडियो देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे। तो आपको ये फोन कैसा लगा, मैंने तो अपना रिव्यू दे दिया कि भाई इसका कैमरा और इसका प्रोसेसर थोड़ा सा डाउन है, इसको और ज्यादा ये लोग बढ़ा सकते थे। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले नए किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।